So, assalamu alaikum and good afternoon everyone. Today I want to highlight the fire safety provisions in the Building Code of Pakistan 2017. Now it's a great tragedy के दो साल में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हमने अवेयरनेस के हवाले से कोई ये 10th प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हमें आज भी ये हाईलाइट करना पड़ता है कि हमारा लॉ फायर सेफ्टी प्रोविजंस के बारे में क्या कहता है. बिकॉज वी एज अ नेशन आर वेरी इग्नोरेंट अबाउट इट. हमने बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है कम्प्लीटली इस एरिया को. आज के दौर में जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में दूसरी कंट्रीज में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात होती है तो आज भी हमारा जो एक रीसेंट सर्वे है उसके मुताबिक मोर देन 80% बिल्डिंग्स इन कराची जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है आर स्टिल नॉट प्रोटेक्टेड फॉर फायर फाइटिंग. वजह उसकी ये है जो हमारा माइंडसेट है यहाँ पे. माइंडसेट क्या है हमारा कि कोई भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक बॉल पार्क फिगर आप ले लें तो तकरीबन 5% कॉस्ट बनती है फायर फाइटिंग की किसी भी प्रोजेक्ट की. और हम आज भी सोचते हैं कि हम ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्यों करें 5% का. बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इट एज एन इन्वेस्टमेंट, वी आर टेकिंग इट एज एन एक्सपेंस. इस माइंडसेट को हमें चेंज करने की जरूरत है. अगर हम लास्ट 2 ईयर्स में कुछ बड़े फायर इंसिडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जेल चौरंगी के ऊपर चेस का फायर इंसिडेंट, मेहरान टाउन के ऊपर फैक्ट्री के अंदर फायर इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा कोऑपरेटिव मार्केट की फायर, मार्केट की मैं बात करूं तो रिसेंटली सेंटोरस का फायर इंसिडेंट. ये सारे इंसिडेंट ये हाईलाइट करते हैं कि एक के बाद एक हम बार बार वो इंसिडेंट्स फेस कर रहे हैं लेकिन हमने कोई रेक्टिफिकेशन के मेजर्स आज तक नहीं लिए. अगर हम पैरल्स ड्रॉ करना चाहें, बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था राना प्लाजा का 2014 जिसमें 1000 से ज्यादा लाइफ्स का लॉस हुआ था. लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या मेजर्स लिए? 2000 से ज्यादा फैक्ट्रीज के इंस्पेक्शन हुए, फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स, फायर अलार्म सिस्टम्स, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स, आपके जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स थे हर चीज को अपग्रेड किया गया. क्या हमने किसी भी इंसिडेंट के बाद इस तरह का कोई एक्शन लेने की कोशिश की आज भी? Unfortunately, not. अच्छा, यहां पे किसी को अंदाजा है कि पाकिस्तान में हर साल फायर से लॉसेस होते हैं उनका फिगर्स कितना है? अगेन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एन इंस्टीट्यूशन जो प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स इसको रखे. डॉन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अपने तौर पे ये फिगर्स जमा करके 2018 और उस रिपोर्ट के मुताबिक 400 अरब रुपए का हर साल नुकसान होता है पाकिस्तान में अगर आप इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी लॉस की बात करें. और जो थाउजेंड ऑफ लाइफ का एक नुकसान है वो एक बिल्कुल अलग है. तो इट्स नॉट ए स्मॉल इशू. ये डॉन की रिपोर्ट थी. 537 से ज्यादा इंसिडेंट फायर के रिपोर्ट होते हैं हर साल. अच्छा, उस वक्त हमारे पास सिर्फ 22 फायर टेंडर्स थे. अब खैर हमारे पास फायर टेंडर्स और आ गए लेकिन क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ऑपरेट करने का? क्या हमारे रोड्स की ये हालत है कि फायर टेंडर 5 to 8 मिनट्स के अंदर पहुंच सके किसी भी इंसिडेंट की सूरत में? क्या उसको ऑपरेट करने के लिए हमारी फायर ब्रिगेड के पास वो स्टाफ मौजूद है? अनफॉर्चुनेटली नॉट. अच्छा, जो मैंने राना प्लाजा इंसिडेंट की आपको बात की थी तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स से उसके फिगर्स लिए गए. 2500 फैक्ट्रीज का वहां पे इंस्पेक्शन हुआ, 300 यूनिट्स को कम्प्लीटली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली, जो के फायर सेफ्टी प्रोविजंस को पूरा नहीं कर रहे थे. हमें भी इन्हीं ड्रास्टिक मेजर्स की जरूरत है.
अच्छा, बिल्डिंग कोड के हवाले से मैं बात करूं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके इक्विपमेंट के हवाले से, वो सब से चार उन्होंने क्वालिफाई किया है आपके इक्विपमेंट की सूरत में। नंबर वन, फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो बिल्कुल आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। वाई फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये जरूरी है कोई भी आग की सूरत में उसको बढ़ने से पहले उसको किल करने के लिए। नंबर टू, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, प्रेशराइज्ड फायर हाइड्रेंट सिस्टम, जो कि आपके प्रॉपर फायर पंप से कनेक्ट होना चाहिए। ये किस सूरत में जरूरत आपको पड़ती है कि एक दफा अगर फायर बढ़ गई और आपके पास बिल्डिंग के अंदर इन हाउस सिस्टम नहीं हुआ, तो आपके पास एक बहुत शॉर्ट विंडो होती है जिसके अंदर आप फायर को किल कर सकते हैं। हमने जितने भी बड़े फायर इंसिडेंट्स का पीछे जिक्र किया, वहां पे क्या हुआ, जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, फायर इतनी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी होती है कि उसको बुझाना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। फिर वो जल जल के ही आग बुझ रही होती है, अपना पूरा फ्यूल बर्न करके आप उसको नहीं बुझा रहे होते, और जो लॉस होना होता है वो हो चुका होता है। नंबर थ्री, फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम की आपको क्या क्यों रिक्वायरमेंट है, फायर की सूरत में पहले धुआं पैदा होता है और उसके बाद उसका शोला बनता है, तो बिगिनिंग में ही फायर को डिटेक्ट करके कम से कम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की लाइफ्स है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। फायर डोर्स, आप लोगों को सुन के शायद हैरत हो कि जो हमारे पास फायर की वजह से लाइफ का लॉस होता है, फायर से ज्यादा उसके धुएं को इनहेल करने की वजह से होता है। तो फायर डोर्स का बेसिक मकसद यही होता है, फायर को एक जगह कंटेन करना, धुएं को स्प्रेड नहीं होने देना दूसरी जगह। अच्छा, उस ये जो मैंने आपको बताई चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इक्विपमेंट की, जो हर बिल्डिंग में होनी चाहिए, चाहे वो कोई घर हो, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, कोई आपकी फैक्ट्री हो, ये हमारे लॉ के अंदर मेंशन है, अनफॉर्चुनेटली जो फॉलो नहीं होता। एक पांचवी चीज है स्प्रिंकलर सिस्टम की, जो मैं आगे आपको बताता हूं, लेकिन अभी मैं आपसे वो रिक्वायरमेंट शेयर कर रहा हूं जो हर जगह होना जरूरी है। जी, प्लीज गिव हिम द माइक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम करते हैं, उनको भी बेसिक फायर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, जो कि कंपनीज में आई हैव नॉट सीन के दी जा रही हो, तो इस पे भी थोड़ी आप बात करें कि सिस्टम्स तो बाद में आते हैं, पहले तो ह्यूमन इटसेल्फ, ह्यूमंस हैं जो उसी टाइम एक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली भी नहीं होती ना बहुत टाइम्स के, बेशक सिस्टम का बैकअप भी हो, सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन द बैकअप एज वेल। अच्छा, मैं इसकी बात करता हूँ जो मैं आपको बिल्डिंग कोड के रिक्वायरमेंट्स बता रहा था, मैं जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ। आठ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से चार रिक्वायरमेंट जो हैं वो आपकी इक्विपमेंट के बारे में जो मैंने बताई, बाकी चार रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके अंदर आपने जो बात की वो पूरी होती है। बाकी चार रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास सेफ्टी साइंस होने चाहिए, ताकि इमरजेंसी की सूरत में हर किसी को पता हो कहां से एग्जिट करना है। नंबर टू, आपके पास इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए हर फ्लोर पे। नंबर थ्री, आपके पास इमरजेंसी एग्जिट का जो है वो कोई ऑप्शन होना चाहिए। अब डीएचए के अंदर बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां पे आप फायर एग्जिट बाहर की तरफ नहीं बना सकते, डीएचए की रेगुलेशंस कुछ ऐसी हैं, वहां हमने ये स्केप शूट लगाया है, तो आपने कोई भी मैकेनिज्म डेवलप करना है, लेकिन ऑल्टरनेट रूट होना जरूरी है, वरना जो मेहरान टाउन में ट्रेजेडी हुई फिर इसी तरह से ट्रेजेडीज होती है। उसके अलावा ट्रेनिंग्स जो आप बात कर रहे थे, तो वहां पे हमारी ट्रेनिंग्स की, जो आपने बिल्डिंग के अंदर से ही फायर वार्डन्स लेने हैं, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है कि जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको किस तरह से यूज करना है और लोगों को किस तरीके से एस्केप कराना है, तो यहां पे आपकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फायर स्प्रिंकलर्स, अच्छा ये आठ रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी तक शेयर की, ये हर किसी ने फॉलो करनी है। फायर स्प्रिंकलर्स की रिक्वायरमेंट आपकी कहां आती है, जहां आपकी बिल्डिंग चार फ्लोर या उससे ज्यादा हो,
या उसका कवर्ड एरिया 12,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो, ये आपका लॉ कहता है, ये आपकी पांचवी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो ये आपने हर सूरत में फॉलो करना है, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें अब लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो बिल्डिंग कोड के 8 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, फुलफिल किसने करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे इदारे हैं जिनका यहाँ पे रोल आ जाता है, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, DHA, कंटोनमेंट्स की जो अथॉरिटीज हैं, उसके अलावा सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी, और तमाम इदारों को आप छोड़ दें तो सबसे पहले हमारा अपना रोल आ जाता है। अगर आप किसी इदारे के सरबराह हैं तो अपने वर्कर्स की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक बिल्डर हैं तो जो रेजिडेंट्स वहां पे रहने वाले हैं तो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो हम बेसिक रेगुलेशन से आगे बढ़ चुके होंगे और फ्यूचर और टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे होंगे। थैंक यू।